हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस यूट्यूब ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था, तो शॉर्ट्स देखते देखते कुछ कोई एक बाइकर है जो मोटो ब्लॉगिंग करता है, उसका नाम है प्रो राइडर 1000, जिसका एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट का वीडियो भी मैंने देखा, और वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भाई जो वीडियो मैंने देखा है ना, जिस तरह से वो जो उसका एक्सीडेंट हुआ है, वैसे तो मर चुका है, ऑन द स्पॉट मर गया था मेरे ख्याल से। उसका ब्लॉग भी मैं कुछ देखता नहीं था, पर एक्सीडेंट का वीडियो देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि मैं ये वीडियो बना के आपको मैसेज दे दूँ। वो 300 के स्पीड में कुछ चला रहा था और उससे कुछ मिसबैलेंस हो गया और वो रोड के उस पार जाकर मतलब थोड़ा सा हिल गया। यूट्यूब में देख सकते हो, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और उस पार जाकर हुड़कर गिरकर वो उसे चोट आकर वो मर गया। स्पीड अच्छा लगता है, पर जिस स्पीड से हम लोग गाड़ी चलाते हैं या फिर आप बाइक चलाते हो, उसी स्पीड से आप ऊपर जा सकते हो। 300 के स्पीड से ऐसा चला, आप 300 के स्पीड से ही वो निकल गया। इस पर नुकसान किसका हुआ? उसका तो हुआ ही, क्योंकि वो मर चुका है। प्लस इसके माँ बाप का भी नुकसान हो गया। बूढ़ा तो इंसान नहीं था ये, जो था जवान लड़का था। तो अपने स्पीड को थोड़ा ब्रेक मारिए, ड्राइव बहुत या फिर ड्राइव या फिर राइड बहुत स्लोली कीजिए। स्पीड भगा के आपको अगर डेस्टिनेशन में पहुंचना ही है, तो स्पीड में भी आप उसी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, स्लो में भी आप उसी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। स्पीड भगा के कुछ मतलब नहीं है भाई, गाड़ी हो या फिर बाइक हो, इस पर सिर्फ नुकसान ही होता है। आराम से चलाएगा, बी सेफ। और जिस स्पीड है ना, थ्रिल करता है, पर उसी थ्रिल से हमारा जान भी निकलता है। तो गो वेरी स्लोली, ड्राइव वेरी स्लोली। और उसके माँ बाप को भी क्या बोल सकता है, देयर इज नो वर्ड्स। तो आराम से चलाएगा और आराम से अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय।